आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। देखिए आज की तमाम खबर। औरंगाबाद में गरीब परिवार की बेटियों के हाथ पीले करने का काम कर रही सामाजिक संस्था कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी के तत्वावधान में 9 मई को नवादा के आईटीआई प्रांगण में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह की सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सोसाइटी के औरंगाबाद प्रभारी राकेश शर्मा ने कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर बताया कि संस्था के सचिव विकास कुमार माली के नेतृत्व में नवादा में बृहद रूप से सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया है। समारोह की व्यवस्था में हाथ बटाने औरंगाबाद से भी स्वयंसेवक नवादा रवाना हो गए हैं। समारोह के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कार्यक्रम में बेटियों को शादी के बाद विदाई के रूप में कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी विदाई सामग्री किट भी प्रदान करेगी। 9 मई 2023 को गया जिला और नवादा जिला और समझिए कि औरंगाबाद के सहयोग से, समस्त बिहार के सहयोग से हमारी सोसाइटी का सामूहिक शादी नवादा जिला के आईटीआई के प्रांगण में होने जा रही है। और इसके लिए हमारे सचिव महोदय श्री विकास कुमार मालाकार का बहुत ही अथक प्रयास को सफल बनाने का कार्यक्रम वहाँ चल रहा है। और इस हमारी सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा पर रोक लगाना, इसी के तहत समझे कि वहाँ पर अनाथ, गरीब, असहाय बच्चियों का सामूहिक शादी कराया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में उनको विदाई सामग्री देकर हमारी सोसाइटी उनको खुशी खुशी विदा करने का काम कर रही है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।